back to another vlog. This is me Asma Rashid Ali. Hope you all are fine. आज जो है मैं ready हुई हूँ अपनी friend के bridal shower में जाने के लिए, जो कि अगर आपको याद हो कश्मीर tour पर हम लोग साथ थे रुखसार. अगर आप लोग मेरे vlogs जो है day one से देखते आ रहे हैं ना, तो आप लोगों को जरूर याद आ गई होगी कि कौन रुखसार. अगर नहीं भी याद आई तो इस introduction के बाद जो है मैं एक कश्मीर tour का clip जो है वो आप लोगों के लिए इस vlog में add कर दूंगी, तो आप वो देख लीजिएगा, फिर आपको याद आ जाएगा कि कौन रुखसार. तो जी फाइनली आज वो दिन आ चुका है जब है मेरी प्यारी सी दोस्त का ब्राइडल शावर. मैं कैसी लग रही हूँ? एंड हियर इज माय फुल लुक. आ रहे हैं फ्लावर्स हैं नियॉन कलर के, तो मैंने कहा आज के इवेंट के लिए ये बिल्कुल सूटेबल रहेगा और अच्छा भी लग रहा है. तो जल्दी से कमेंट करो और बताओ कि आज मैं कैसी लग रही हूँ. अभी जो है मैं जा रही हूँ, पहले आई मैं अम्मी के घर, क्योंकि अम्मी के मुझे रिदा को छोड़ना था. रिदा को मैं नहीं लेकर जा रही, और यहाँ एक जो है देने के लिए मैंने गिफ्ट भी रेडी करवाया था, और वो रहे यहाँ ये फ्रेम जो है मैंने रेडी करवाया है पिक्चर के साथ. और दिस इज़ अ मेमोरी, ये हमारी मेमोरी है कश्मीर टूर की. दिस ये देखें, तो ये आज मैं जो है ये रुखसार को गिफ्ट करने वाली हूँ उसके ब्राइडल शावर में. बस अल्लाह पाक जो है रुखसार के नसीब बहुत बहुत अच्छे करे, मैं बहुत हैप्पी हूँ उसके लिए. कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ यार. तुम्हें बहुत जल्दी हो रही थी शादी की है? क्यों? Now here, finally, कितने घंटे मैंने वेट किया है? तीन घंटे वेट करने के बाद फाइनली राइट टू बी माशाल्लाह. अभी जो है डेकोरेशंस चेक कर लेते हैं. माशाल्लाह डेकोरेशन भी बहुत अच्छी है. वैसे मैं ना 7:30 बजे आ गई थी, 7:30 से अभी क्या टाइम हो रहा है? 9 बज रहे हैं. और अभी ये सारा लेट हमारे डेकोरेशन वालों ने कराया है, क्योंकि वो लोग लेट आए थे. 5 बजे का टाइम था. हाँ 5 बजे का टाइम था, फिर मुझे 7 बजे का बोला, लेकिन मैं 7:30 बजे पहुँच गई थी. और फिर भी डेकोर नहीं हुआ. नहीं बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है.
फजर का टाइम देना, तब जाके ये मैडम रुखसती तक आ ही जाएंगी, है ना आयशा? मेरे से ज्यादा रोएगी। उस दिन मेरे ख्याल में ये टाइम से पहले पहुंचेगी। आज ना सुबह ये पॉइंट में कोई गाना सुन रही थी शादियों वाला, और इसको रोना आ रहा था। सच्ची लिटरली मैसेज कर रही है यार, इसको बंद कराओ मुझे। फिर रोई भी यार। सच्ची बात बताओ, जब मैंने इसकी शादी का सुना ना, मुझे भी रोना आया। और सच्ची सीरियसली, मैं अपनी बहन की शादी में मुझे दुख नहीं हुआ जो इसकी शादी में मुझे दुख हो रहा है। सच्ची अभी मैं तुम्हें क्या कह रही थी, हाँ, ये इसको रोना आ रहा था और मुझे भी दुख हुआ था कि ये रो रही है, जा रही है, मुझसे दूर हो गई मेरी दोस्त। खुद स्कूल के अलावा मेरे से मिलने नहीं आती। आज आई है जब से मैंने स्कूल छोड़ा है। तो हम सिर्फ टूर पे ही मिले, ठीक है ना? मुझे क्यों आ रहा है रोना? क्योंकि मैं हूँ ही इतनी अच्छी। माशाल्लाह, अल्लाह पाक तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे। आमीन आमीन। गंदी बच्ची मेरी।
यार तुमने स्लैश तो पहना नहीं ब्राइड टू बी का, क्यों कॉमन हो गया ना वो। हाँ ये एंड गाइस आज के डिनर की सेटिंग जो है वो फ्लोर सेटिंग है, तो हम लोग सब आज जमीन पे बैठ के फिर खाएंगे। और ये लड़की फिर से मोबाइल में लग गई, अभी तो क्या करें, आ रहे मैसेज तो रिप्लाई तो देना पड़ता है ना बंदों को। चलो ओ सो व्हाट इज इन द डिनर, आज डिनर में है रोस्ट समोसे और फ्राइज एंड जिंगर, आज का मेन्यू ये है। ठीक है तो एक 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 ले लेते हैं हर चीज। ठीक है हाँ। तुम हेल्प करो, मैंने मोबाइल होल्ड किया हुआ है, तुम मेरी प्लेट फिल करो। कौन सा चलो जी, तो हमारी प्लेट जो है वो फुल हो गई है। और क्या क्या लिया है हमने, एक जिंगर लिया है, एक ब्रोस्ट लिया है और थोड़ी बहुत फ्राइज। मैंने सब कुछ लिया है, अपना पूरा हिस्सा मैंने लिया है। आपने अपने साइज के हिसाब से लिया है ना, मेरी साइज थी, मैंने पूरा सब कुछ लिया है और मैंने अपने साइज के हिसाब से लिया है। तो चलो अभी पहले इसको खाते हैं, उसके बाद फिर आयशा ब्रेड कब खड़ी दो यहाँ से, खिला खिला के मोटा करना है, ये अब हमारा टारगेट है बस। बाय, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट इवेंट क्या है, नेक्स्ट इवेंट है मायू, मायू में मिलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप भी खा लेना। हाँ मैंने खाया है, कम कम नहीं खाए, इसकी तरह आप भी कमजोर हो जाएंगी। फिर आपने इसको अपने जैसा करना है, आपने इसके जैसा नहीं होना। ऐसी थी बिल्कुल, शादी हो गई है। हाँ अम्मी की वीडियो है ना, वो बिल्कुल है भी बिल्कुल मेरे जैसी। मुझे डांटती थी बड़े नाखून है तुम्हारे ये वो। एक दिन ना अम्मा की वीडियो चलाई हम लोगों ने, अम्मी ऐसे ही झूठ बोलती है। मैंने कहा यहाँ देखो आपके भी बड़े, अम्मी ऐसे ही झूठ बोलती है। चलो रुक सार, अल्लाह हाफिज़। बहुत जल्दी जा रहे हो यार तुम। आऊंगी ना बीच में। हाँ बीच में आना चाहिए जरूर। अल्लाह हाफिज़। लेकिन बेचारी को ये सब मना है अभी, थोड़ा सा खाए आंटी अच्छा नहीं लगता ना। नहीं ना आपको ले जाओ। चले थैंक यू, आप आइएगा ना घर हमारे। So guys, ये था आज का व्लॉग, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सो अभी तक अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। और अब बस मैं घर के लिए निकल रही हूँ, सी यू एट द नेक्स्ट व्लॉग, आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।